नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ 27। खबरें सबसे पहले आप। प्रवासी मजदूर के रोजगार को लेकर विष्णुपुर में किया गया अगरबत्ती क्लस्टर का शुभारंभ। प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर पंचायत के स्थानीय मनरेगा भवन पर जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत अगरबत्ती क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार ने शनिवार को दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आर्थिक वृद्धि के लिए जिले में 5 क्लस्टर चलाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए है जो स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ाई जाएगी। क्लस्टर के लोगों का दायित्व है कि व्यवसाय को आगे बढ़ावे। मंच संचालन का कार्य प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी संजय सिन्हा ने की, जिन्होंने कहा कि किसी भी उद्योग के लिए भूमि, कच्चा माल, सफलता, श्रम और बिजली की जरूरत है। सरकार के पास जमीन तो उपलब्ध है, सदस्यता श्रम भी उपलब्ध है। प्रवासी मजदूर जो कौशल युक्त हैं, खाद संस्करण उद्योग में मक्का से स्टार्च निर्माण, पोल्ट्री फीड, गेहूं का दलिया, आटा, सूजी, मैदा निर्माण, ओल का अचार, हल्दी पाउडर, दूध का पनीर, इस तरह के कई उद्योग लगाए जा सकते हैं। इस तरह के उद्योग लगाने से हजारों मजदूर रोजगार कर सकता है। वहीं अगरबत्ती क्लस्टर के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे तकनीकी सलाहकार मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, मार्केटिंग का प्रशिक्षण दे सकते हैं ताकि उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें 13 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिला है, जिसमें राजकुमार महतो, सिकंदर महतो, बृहस्पति महतो, सनातन महतो, अशोक महतो, पंकज भारती, राजकिशोर महतो, उदय कुमार आदि शामिल हैं। इसके अध्यक्ष उदय कुमार, सचिव राजकिशोर महतो हैं। पूर्व मुखिया गणेश पोदार आए हुए अतिथि का स्वागत किया। डीपीआरओ मंजू प्रसाद, डीपीओ अर्जुन सिंह, बीआरसीसी सुनीला प्रसाद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी राम सूरत प्रभात, बीडीओ निरंजन कुमार, बीएसओ संजय सिन्हा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार झा, प्रमुख मनीषा देवी, विष्णुपुर मुखिया प्रभा देवी, चंद्रभूषण चौधरी आदि कई गण्यमान लोग उपस्थित थे। नावकोठी बेगूसराय से राम विनोद कुमार की रिपोर्ट। सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, थैंक यू।